किसी पार्टी को चुनाव जिताने का सवाल नहीं, ये किसी गठबंधन को चुनाव जिताने का सवाल नहीं है, बल्कि ये जो चुनाव है संविधान को बचाने का, आरक्षण को बचाने का और बढ़ाने का और देश को बचाने का चुनाव है। और आप लोग जानते हैं ये सच और झूठ की लड़ाई है, गरीब और अमीर की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आप सब लोगों से हम अपील करने आए हैं कि सब लोग एकजुट रहिए, सामाजिक न्याय का झंडा उपलब्ध करना है, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना है, भाईचारा को कायम रखने का काम करना है। ये न्याय और अन्याय की जो लड़ाई आप लोग सब लोग लड़ रहे हैं, ये लोग बैठाई का दौर है। आप एक बात समझ जाइए, इस चुनाव में इस बार जो है बड़ी साजिश की जा रही है। आप समझिए, हमको कोई बांका सीट को लेकर के कंफ्यूजन नहीं है, मजबूती के साथ आप लोग जो है हम लोगों का साथ दीजिएगा, और यहाँ से जब प्रकाश जी को जिताइएगा तो प्यार तो आएंगे। एक बात समझिए कि लोग जो है कह रहा है कि इससे लड़ाई है जो है आपके चुनाव ठीक हो गया, पल्ला दिया ये पुतुल जी है, निर्दलीय चुनाव लड़िए तब ठीक हो गया, इस ओवर कंफ्यूजन में नहीं रहना, ओवर कॉन्फिडेंस में इसलिए नहीं रहना है क्योंकि आपकी असली लड़ाई जो एनडीए का जो असली कैंडिडेट है वो पुतुल सिंह है, उनको जिताने के लिए इनको खड़ा किया गया है। विधानी जी के वोट का सीखना पड़ेगा, हमेशा हम लोग जो है समझते हम लोग फर्स्ट के रहते हैं, लेकिन आप सब लोग है ये समझने की जरूरत है। और हम लोग हर लड़ाई है, पिछले बार में लोग कह रहे थे इतना आएगा इतना आएगा, बहुत मजबूत होगा। आप लोग समझिए कि ये भूल नहीं होनी चाहिए, ये लोग लड़ जाए कोई और निकल जाए, पूरा जो संगठन है उनके पीछे लगा हुआ है। और नीतीश जी तो की दाढ़ी जी से पटके नहीं करता, वो तो इसी लग पड़ा कि ना कि वोट ना सके, ये मान लो आप उनका बच्चा गिर गया। तो आप एक बात समझिए कि यहाँ महागठबंधन दूसरे तरफ एनडीए, एनडीए का कहाँ आ सकता है, बिहार से लेकर के पूरे देश में है, सेंट्रल में है, ये लोग क्या कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है कोई काम नहीं हो रहा है, केवल और केवल भ्रष्टाचार, एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन जो है अपराध में, कोई कभी अपराध ऊपर नहीं बढ़ रहा, भ्रष्टाचार बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। आप लोग समझिए कि जाति प्रमाण पत्र बढ़ाना तो सब भूल गया, और जिस प्रकार से बिहार राज्य में नीतीश जी ने जो बर्बाद करने का काम किया है, चार साल में चार सरकार, आज तक इतिहास में हिंदुस्तान के कभी नहीं देखा चार साल में चार सरकार, बहुमत होने के बाद भी चार साल में चार सरकार, किस लिए बार बार जनादेश का पान किया गया, और बार बार हमारे चाचा है इज्जत तो करना पड़ेगा हमारे, लेकिन अच्छे चाचा नहीं है पट्टू चाचा। आप लोग जानते हैं हमारे चाचा जब तभी ना पलटते हैं अपने स्वार्थ, तो आप समझिए कि किस प्रकार से हमारे चाचा पहले कहा था क्या कर जाते मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन घर पर नहीं जाऊंगा, सब मुक्त बिहार भारत बनाएंगे। आज क्या किए आप देखिए, भाषा में तो चले गए लेकिन मिट्टी में कम नहीं है, तैयार तो आप नहीं लगा, आप जानते हैं नीतीश जी ने कितना गरीबों को तबाह किया, बारी बारी करा दिया, कितना मजदूर था जो रोजी रोटी जो कमाने का, आज बाली महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है,
तो असली माफिया कौन है? नीतीश कुमार। असली माफिया तो वो है। अरे जहाँ सस्ता मिले वो तो अच्छा है। शराबबंदी की है। शराबबंदी में क्या हुआ? शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखिए नशा मुक्त होना चाहिए, नशा के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप जो पहले 200 रुपए का पकड़ था, मन चाहे ना तो मैं बेच रहा 1,400, लेकिन ठुसा के रह गए गरीब का। तो गरीब जब जेल में जा रहा है और कई अधिकारी बड़े बड़े जो है अमीर लोग अपना दलित किया, उनको पकड़ने में लगा। गरीब जो है ज्यादातर दलित समाज का आदिवासी समाज कहते हैं महुआ कारी नीति के लिए, और हमारे पुलिस को चर्चा लगा कि अपराधी लोग पीछे नहीं कि शराब जो पी रहा है उसको। पुलिस का तो काम ये होना चाहिए ना प्रायोरिटी कि जो अपराधी है जो मर्डरर खूनी अपहरण करता है चोर चकारी का काम करता है, तभी ना जो आप तो आप लोग देखिए हम जनता की अदालत में आए और जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होती है ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है और फैसला आप लोग करता है। आज राज्य को फंसा करके जेल भेजने का काम किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये भाजपा के लोग जानते रहते हैं लालू जी बाहर रहे तो किसी बाइक के लाने का भी जो हमारे आरक्षण लालू जी को लालू जी जब जेल गए तो सोचता था लालू जी जब जेल चल रहे तो लालू जी जो है गराज है इनके गीतर भक्ति से लालू जी डरने वाला है, हमारे तो सारे शेर है इनके गीतर भक्ति से डरने वाला है। तो दूसरा ये बच्चा अगर लालू जी अगर नहीं करेंगे तो इनका बाल बच्चा का तो हो सकता है कि भाई बाल बच्चा का ये अच्छा कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे छात्र राजनीति से लेकर के बाल पक गया अभी भी वो लड़ाई छोड़े नहीं, आप लोगों का लड़ाई लड़ने का काम। अगर लालू जी और मेरा में लाला जाता तो हम भी भाजपा से मिल जाते, हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते, बनते कि नहीं बनते, लेकिन हम आपके साथ धोखा करते कि नहीं करते, हम अपने विचार भाड़ा से समझौता करते कि नहीं करते, अपने सिद्धांत से अपने वसूलों से। तो आप देखिए कोई भी स्थिति नहीं हो हमारे पिता ने फिर का प्रस्तियों से मनुवादियों से आज तक समझौता नहीं आज उनको कितना भी तकलीफ दिया जा रहा है, पूरा तकलीफ दिया जा रहा है। आप देखिए बीमारी ना हो, अभी दिल का ऑपरेशन हो, आपका 60% जो है आपका किडनी में इंफेक्शन हो, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, तरह तरह की और बीमारियां, ये तो आपको लगता है अगर लालू जी ठीक रहते हैं तो ये लोग अस्पताल में ये लोग तुरंत जेल भेजता। तो आप लोग जानिए अभी भी हमारे पिता ने समझौता नहीं किया, और हम आपको बता दें जब उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया इन लोगों के खिलाफ तो उनका बेटा भी आप लोगों के साथ खड़ा होकर के आप हमारे विचारधारे से कोई समझौता नहीं। आप लोग देख रहे हैं हमारे पूरे परिवार के संकट, हम लोगों के लिए मुकदमा खत्म जाने की नहीं देंगे, मेरे ऊपर 35 मुकदमा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी सात बहन है सात बहनों पे मुकदमा, मेरे सात बहन है जीजा जी है उन पे भी मुकदमा, सातों पे संघर्ष संधि जी लोगों को ले लीजिएगा तो 14 लोग हो जाते हैं, उन 14 पे मुकदमा, यही रुपया समझी असंभव थे उनके रिश्तेदारों का भी मुकदमा। तो आप लोग समझिए, आप लोग समझिए क्या स्थिति होने जा रही है। पूरे तरीके से ये लोग अपना जोड़ लगा दिए हैं
हम लोगों को दबाने के लिए, लेकिन आप लोगों का साथ है, आप लोगों का आशीर्वाद है जो हम लोगों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और इस बार बिहार की जनता जो बिहार को ठगने का काम किया मोदी जी ने, बोलते थे ना कि बिहार की भारी जगह 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 2,25,00,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया। क्या मिला बिहार को? ये बोलते थे ना कि बिहार में स्पेशल राज का दर्जा देंगे, मिला। अंजती से भूल गए ना, थाली खींच गए थे सब भूल गए। तो आप लोग समझिए कि क्या स्थिति होगी। आप लोग जानिए, कुछ लोगों के कथनियों को भी नहीं बढ़ा रहा, कथनी में विश्वास करना चाहिए कि करनी में विश्वास करना चाहिए। कोई बोल नहीं रहा करनी में ना। अब मोदी जी का कथनी की करनी, अब चाचा का तो करनी कुछ कथनी कुछ, पलटिए मारते रहते। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने बताइए। आप और हम सब लोग विश्वास के साथ एकजुट होकर बीजेपी को हम लोग हराए। अभी हार करके सरकार में है पीछे के चोर दरवाजे से, तो ये जनादेश का पान, ये खाली हमारे पार्टी हमारे नेता के साथ धोखा नहीं है, ये धोखा हर बिहार के वासियों के साथ। इस धोखे का पता हमारे काम, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो हम लोग पूरे विश्वास के साथ हम लोग यहाँ से जाए ना, जयप्रकाश जी को जिताने आए ना, दोनों हाथ उठा करके एक दाना लगाए, लगाइएगा ना। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, पीछे से जितने लोग हाथ उठाइए, नहीं तो फिर भाजपा आ जाएगी तो फिर चुनाव नहीं होने देगी। समझ जाइए, वोट का राज मतलब छोट का राज, ये छोट का राज को किसका जगह चाहता है, इसलिए भाजपा लगाओ, देश बचाओ, भाजपा लगाओ, देश बचाओ, भाजपा लगाओ, देश बचाओ। हम बोलेंगे बेरोजगारी मिटाओ, तो आप बोलेगा आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी मिटाओ, आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी मिटाओ, आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी मिटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। एगो पलटू चाचा जी के लिए, इनके लिए अच्छे से और थोड़ा हम बोलेंगे पलटू चाचा बढ़ाओ, बिहार बचाओ, ठीक ना। पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, बिहार बचाओ। आप लोगों का अनुमति है ना जयप्रकाश जी को जयमाला दे दें।